हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल सोल्डिंग आयरन। इसे बनाने के लिए हमारा वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कॉपर का वायर चाहिए, जो कि इस प्रकार से हम लोग कॉपर का वायर लिए हैं। आप भी ऐसा छोटा ले सकते हैं। इसमें हम लोग एक फाइबर स्लिप लगाएंगे, जो एक नंबर का फाइबर स्लिप है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसके एक किनारे पे हम लोग कॉपर वायर को फिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम लोग फिक्स करेंगे। दूसरे किनारे पर भी हम लोग कॉपर वायर को अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हम लोग को कॉपर वायर लगाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें हम लोग लेंगे एक छोटे से नाइक्रोम वायर। आपको नहीं पता है कि नाइक्रोम वायर कहाँ से मिलता है, तो नाइक्रोम वायर जो हमारे पुराने प्रेस होते हैं उसके अंदर भी नाइक्रोम वायर को यूज किया जाता है। आप वहाँ से नाइक्रोम वायर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग कॉपर वायर पर नाइक्रोम वायर को अच्छी तरीके से लपेट देते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग इस पर अच्छी तरीके से लपेट के इसके किनारे वाले जो कॉपर का वायर है उसमें अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। इसमें हम लोग कॉपर वायर को सेफ्टी के लिए दो फाइबर स्लिप लगा देते हैं। देखते रहिए हम लोग कैसे कैसे फाइबर स्लिप को लगाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर दोनों छोटे छोटे स्लिप लगाने के बाद इसमें हम लोग एक बड़ा स्लिप लेते हैं, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से लगा के इस दोनों वायर को अच्छे से फिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको किस प्रकार से फिक्स किया है, आप इसे फिक्स कर सकते हैं। इसमें हम लोग टीन को काट के एक पाइप नुमा बना लिया है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। इसमें हम लोग पाइप के अंदर हम लोग अपने एलिमेंट जो बनाए हैं इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसमें हम लोग प्लायर से इसको थोड़ा थोड़ा दाब देते हैं, क्योंकि इधर उधर ना जाए। इसके अंदर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, जिसके अंदर होल कर लिया है पाइप के आकार का, इसमें जो हमारा पाइप है अच्छे से फिक्स हो जाए। देख सकते हैं कितने अच्छे से फिक्स हो गया है। इसे हम लोग अच्छे तरीके से फिक्स करने के लिए इंस्टेंट ग्लू से फिक्स कर देते हैं। देख सकते हैं फिक्स हो चुका है हम लोगों का। फिक्स हो जाने के बाद इसकी हम लोग बॉडी बनाने के लिए बॉडी के ऊपर आते हैं। बॉडी बनाने के लिए हम लोग पाइप लिए हैं, जिसमें हम लोग एक स्विच का कटिंग कर लिया है। ये रहा हम लोग का एलिमेंट जो बनाए हैं, इसके अंदर इस प्रकार से इसको लगा देते हैं। इसके अंदर हम लोग अच्छे तरीके से इसके अंदर फिक्स करते हैं। चलिए इसे हम लोग प्रेस करके अच्छे से फिक्स करते हैं। इसके और मजबूत के लिए हम लोग फेविक्विक से फिक्स करते हैं। इसके अंदर हम लगाने वाले हैं एक 18650 1200 mAh बैटरी, एक चार्जिंग मॉड्यूल जो देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी चार्जिंग वाला है, एक स्विच लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग स्विच के कनेक्शन कर देते हैं। आप देखते रहिए हम लोग स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। एलिमेंट का एक सिरा स्विच के एक सिरे के साथ अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। एक हम लोग रेड कलर का एक जम्पर वायर लिया है,
जो स्विच के दूसरे सिरे पे अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। एक ब्लैक वायर लेते हैं जो एलिमेंट के दूसरे सिरे में सोल्ड कर देते हैं। इसमें लगाने के लिए एक हीट स्लिप लेते हैं जो 1 mm का हीट स्लिप है। इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए हम लोग लाइटर का यूज कर रहे हैं। चलिए इसके अंदर हम लोग वायर को अच्छे से लगा देते हैं। देखते रहिए हम लोग कैसे कैसे वायर को लगाते हैं। इसमें अब हम लोग स्विच को भी फिक्स कर देते हैं। देख सकते हैं स्विच हम लोग का फिक्स हो गया है। जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम लोग कटिंग कर लिए हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग छील लेते हैं। अब इस पे हम लोग लेते हैं एक चार्जिंग मॉड्यूल का जो ब्लैक वायर है इसको दोनों को एक ही में सोल्ड कर देते हैं। और बैटरी वाले नेगेटिव वायर को भी इसी में सोल्ड कर देते हैं। देख सकते हैं हम लोग अच्छी तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। और पाइप के अंदर हम लोग बैटरी को थोड़ा थोड़ा अंदर धक्का दे देते हैं। एलिमेंट के जो रेड वायर है और चार्जिंग मॉड्यूल का जो रेड वायर है दोनों को एक में शॉर्ट करके सोल्डिंग कर देते हैं बैटरी के सिरे पे। देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से हम लोग सोल्ड कर लिया है। चलिए इसको अंदर ढकेल देते हैं। और चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर ये कैप को लगा के फिक्स कर देते हैं। देख सकते हैं हम लोग का रिचार्जेबल सोल्डरिंग आयरन रेडी हो गया है। इसका ये सोल्डरिंग आयरन का ये लुक है, आप देख सकते हैं। हमने फिनिशिंग देने की बहुत कोशिश की है। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। हम लोग का सोल्डरिंग आयरन हीट हो गया है। चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। देख सकते हैं हम लोग का सोल्डिंग आयरन कितना हीट हो गया है, जो सोल्डिंग वायर को अच्छी तरीके से पिघला रहा है। चलिए इसे हम लोग जूम करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं हम लोग जूम कर लिए हैं। अब देखिए इसे कैसे इसको पिघला रहा है। कोई फेक नहीं है, सब रियल है। हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, सब रियल होता है। चलिए स्विच में कनेक्शन करके दिखते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो रहा है। देखिए ब्लैक वाला भी कितना अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो गया है, आपको दिख ही रहा होगा कैमरे में। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए बाहर भी निकल चुका है। चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं और चार्जिंग आपको दिखा देते हैं चार्ज करके। देख सकते हैं हम लोग दिखा रहे हैं लेकिन लाइट की वजह से नहीं दिख रहा। लाइट को ऑफ कर लिए। देख सकते हैं रेड कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कैमरे में। चलिए इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं।